डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हम जो डॉन एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है बलूचिस्तान बजट, यानी बलूचिस्तान का बजट। सबसे पहले हम एडिटोरियल की वोकैब को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है लेजिस्लेटर्स। लेजिस्लेटर्स मीन कानून साज। नेक्स्ट है अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग मीन गैर मुतजलजल, यानी कायम और दायम। नेक्स्ट है प्रपोजिंग। प्रपोजिंग मीन तजवीज करना। नेक्स्ट है डिवेल्पमेंट। डिवेल्पमेंट मीन तरक्की। नेक्स्ट है स्केर्स। स्केर्स मीन नयाब। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावेजेंस, यानी असराफ। अब हम इस एडिटोरियल की समरी को डिस्कस करते हैं कि अभी चंद दिन पहले ही बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अब्दुल कुदूस ब्रिंजो ने एक 750 अरब रुपए का अपना बजट अनाउंस किया है, और इसके अंदर उन्होंने इस बात को मद्देनजर नहीं रखा कि बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं वो इंतहाई कम हैं, बल्कि उन्होंने इस बात को मद्देनजर रखा है कि अपनी सियासत को और अपने हवारियों की सियासत को किस तरह अवाम के अंदर और अपनी ओपोजिशन के अंदर ज्यादा देर पा तक कायम और दायम रखा जा सके। तो उस 750 बिलियन रुपए के बजट के अंदर उन्होंने 313 बिलियन रुपए जो है वो लेजिस्लेटर्स के लिए रखे हैं, यानी अपने ही हवारियों के लिए रखे हैं ताकि देरपा इख्तदार तक कायम और दायम रहा जा सके। और इसके साथ साथ उन्होंने अवाम को खुश करने के लिए जो 5100 यानी 5100 नई स्कीमों का आगाज किया है, और इन स्कीमों के अंदर अस्पतालों की अपग्रेडेशन और नए स्कूल खोलना, स्कूलों की हालत बेहतर करना, और इसके साथ साथ किसानों को ट्रैक्टर्स, बलडोजर्स और गंदम पर रिलीफ देना, और इस तरह उन्हें मुख्तलिफ किस्म के जरिए कर्जे देकर उनका एतमाद अपनी तरफ बहाल करना है ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी अपनी सीट को बरकरार रखा जा सके। और इसके साथ साथ उन्होंने 43 जो टैक्सीज हैं मुख्तलिफ जो अशिया पर थे, जैसे होटल्स पर या एजुकेशन सर्विसेज पर, उन्हें मुकम्मल तौर पर कम कर दिया है ताकि उन लोगों को भी अपनी अपने एजेंडे की तरफ माइल किया जा सके। ये उनकी दानिशमंदी का तो सबूत है कि उन्होंने अपने हवारी ओपोजिशंस और अवाम को अपनी तरफ माइल कर दिया है, लेकिन इसका नुकसान आखिरकार बलूचिस्तान के जो असासे हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उन्हें होगा कि किस तरह एक शख्स अपने इक्तदार को तूल देने के लिए किस तरह के बजट पेश कर रहा है। अगर आप डेली डॉन एडिटोरियल के साथ अटैच होना चाहते हैं तो स्कॉलर अकेडमी को विजिट करें। शुक्रिया।